माई डियर स्टूडेंट्स असलकम टुडे माई टॉपिक इज़ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसडस क्लास सेवंथ सब्जेक्ट साइनस आपकी बुक पर है साइनस बुक पर है पेज नंबर सिक्सटी वन पर जो हमारा टॉपिक है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसड्स एसड की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एसड्स की पहली प्रॉपर्टी है दे है टेस्ट जो एसड्स होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है सोवर दे टर्म बिलो लिटमस सोलूशन रेड हमारा पास जो बिलो लिटमस सोलूशन होता है इसको ये क्या रेड करते हैं चेंज बिलू लिटमस सोल्यूशन दे टर्न बिलूलिटमस सोलूशन रेड बट डो नॉट इफेक्ट रेड लिटमस सोलूशन जो रेड लिटम सोलूशन उस पर ये इफेक्ट नहीं करते दे डो नॉट इफेक्ट टर्मरिक सोलोशन इसी तरह हमारे पास जो टर्मरिक सोलूशन होता है उसको भी ये इफेक्ट नहीं करते नंबर फोर दे डो नॉट इफेक्ट फिनॉलीथिन सोलूशन इस पर भी ये इफेक्ट नहीं करते. दे चाइना रो सोलूशन तो डीप पिंक कलर जैसे आपने पहले भी देखा ये मैंने आपको कराया था ये प्रैक्टिकल इसी तरह है डेटर्न चाइना रो सोलूशन टू तो डीप पिंक कलर सिक्स जो है इसकी प्रॉपर्टी मिनरल एसिड्स सच है जैसे हमारे सल्फोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्र, नाइट्रिक एसिड आर हाईली क्रेसिव दे कॉज पेनफुल एसिड्स जो होते हैं ये बहुत क्या हाईली करोसिव है सेवन नंबर है मोस्ट ऑफ़ द एसिड्स आर सोलेबल इन वाटर जो एसिड्स होते हैं ये सोलेबल इन वाटर सोलेबल मीनस पानी के साथ ये मिलते हैं तो आठवां है दोलूशन इन वाटर आर गुड गुड कंडक्टर्स ऑफ एल्ट्रिसिटी जो एसड्स होते हैं यह क्या होते हैं जब यह सोलूशन एसड वाटर के साथ होते हैं तो ये इनको हम क्या बोलते हैं गुड कनेक्ट एपलेक्ट्रिस एसिड्स को तो ये थे इनके क्या जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की इसी तरह है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस अब देखेंगे हम बेस की प्रॉपर्टीज दे हैवे बेटर टेस्ट बेस जो आपने मैंने पहले भी बोला कि बेस जो था इनका टेस्ट कैसा है इनका टेस्ट बेटर है दे टर्न रेड लेट मोल्यूशन बिलू ये रेड लिटमे सोल्यूशन जो अपने मैंने दिखाया उसको ये क्या किस में चेंज करते हैं बिल्यू में बट डू नॉट इफेक्ट बिलू लिटमस अलबतः जो बिल्यू लिटम सोलूशन होते उस पर ये इफेक्ट नहीं करते दे टर्न येलो टर्मरिक सोलूशन रेडिश ब्राउन जो येलो टर्मरिक सोलूशन हमारे पास होता है इसको ये चेंज करते हैं रेडिश ब्राउन में इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी इनकी है बेसिस की दे टर्न फिनालफीन सोलूशन पिंक दे टर्न पिंक द दे टर्न चाइना रो सोलूशन ग्रीन चाइना रो सोलूशन जो है इसमें इसको कैसे टर्न करते बे, बेसिस ग्रीन तो सिक्स पार्ट है बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉज पेनफुल बल्सटर्स ऑन स्किन एंड आर हाईली क्रेसिव इन नेचर जो कुछ बेसिस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पेनफुल बेस्टर्स है ये हाईली क्रेसिव है स्किन के लिए हाँ इसी तरह सातवीं प्रॉपर्टी है इसकी मोस्ट ऑफ द बेसिस आर सॉलेबल इन वाटर बेसिस भी ज़्यादातर बेस जो होते हैं ये भी सॉलेबल इन सॉलेबल वाटर ये पानी के साथ नहीं मिलते हैं इसी तरह है ऑल बेसिस हैव है टच लाइक दैट ऑफ सोप ये जो बेसिस होते हैं जब हम इनको टच करते हैं तो इनका तो हमें क्या लगता है ये स्लिपरी टच लाइक जिस तरह सोप को हम वो किस तरह स्लिप हो जाती है हमारे यहाँ उसमें भी एक सोप so, हाथ में हम जल्दी जल्दी पकड़े हैं स्लिपी ट्रच इस तरह है न्यूट्रलाइजेशन वी हैव लर्नड दैट बेस टर्न फिन सोल्यूशन पिंक द पिंक कलर चेंज टू कलर लेस इफ एन एसट इज एडेड टू इट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी जैसे कि अब हम न्यूट्रलाइजेशन के देखेंगे एक एक्टिविटी है यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ जो हमारी एवरी डे लाइफ जिंदगी में अगर हम देखेंगे जैसे इन द जैसे कि ए पाटियाँ लिखा है इन डजन अवर सटामिक वाल प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूल्ज जैसे आपने पार्ट ऑफ बॉडी में पढ़ा है कि इस तरह उसमें है जो हमारे पास अंदर पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट बोलते हैं मददाश वा मदद यह स्ट अम्च कर पुडूस स्टस क्या गैस्ट्रिक जूस विच कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस हेल्पस इन द डाइजेशन ऑफ फूड ये गैस्ट्रिक जूस किस में हमें मदद करता है जो हम गुजह खाते हैं इसको हजम करने में ये मदद करते हैं हाउ एवर वैन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड्स और हैव वोरीज और टेंशन द स्टामिक वॉल प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसड विच लीड्स टू द एसडीटी ऑफ स्टॉमक जब हमारे स्टॉमक येल एस म्याद छ गस एसडीटी तिम दो के एस चा सा खमय तुम स्पाइसी फूड जंक फूड स या वारिया जात टेंशन आइस या वारिया जात के परेशानी तुम सोच गस ये प्रॉब्लम वन वन हैज ए बर्निंग फीलिंग इन द स्टॉमक एंड सोर टेस्ट इन द माउथ मिश बास मिश म्याद ये दजा हि मिश म्याद दजा हि हो टेस्ट कुन बुछा मिश बास खराब बना खम ना के दिस कन्डिशन इज कली कॉल्ड एसिडिटी आफ सामिक आ इ डजन अन कंडिशन गा मे दजा हूँ बाई कहर अमसर रसिडिटी सटामिका वन डाइजन इट नॉट कन्ट्रोल इट क

एंटासड टेबलिटस और सायरप सारे हम दि बोतल दिन ये कंटाइन मिलिक आफ म मेगनीशा अच्छे मिलिक आफ मेगनीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एलमोनियम हाइड्रा दीज हाइड्रोक्साइडस न्यूट्रल एक्सिस म्यादस बनाना न्यूट्राइज अमुा हेकुित नपा क्यों दी हाइड्रोस न्यूट्रल्ज एक्सिस हाइड्रोकोरिक एसिड एंड हेनज हेल्प इन कन्ट्रोलिंग एसिडिटी आप माद यह हाइड्रोकोरिक एसिड उसकी कंट्रोल कहान आज कसिडिटी आपफ मे एसिडिटी आफ स्टॉमिक मदद्च एसिडिटी कह क्रोल इथ ब सॉल ट्रीटमेंट सोय ट्रीटमेंट प्लान्ट ग्रो वनली इन द न्यूट्रल सोल अस न्यूट्रल सोल अ प्लान खस अब हवर सम टे न्यूट्रल सोल ग गेट्स एसिडिक डू टो द एक्सिव यूज आफ आटिफिशल फटिलजर्स कमी सूट्रल जमीन अलग यह क्या एकसू नूट्रल सोल ग एसिडिक एसिडिक कम सब आटिफिशल फटिलजर्स माद तरह जमीन गई अँ द सॉल आलसो गसिडिक इफ द रूट्स आफ हारवेस्ट क्रापस इन इट दिस इज टन रिड्यूज फर्टेल्टी आफ सॉ अम स पे अच्छी अमिश फी अमिश ग कम इन आडर टु कर्ट एसिटिक सॉल्ज इन टू न्यूट्रल सोल्ज फार्म स्प्रे इट वलशम ऑक्साइड अगर यह जमीन आम एसिडिक गा ज्यादा तेल क्या करा वन त्रा सप्रे कर कैलशम ओक्साइड कुकली ला हाइड्रोक्साइड हॉड्रोक्साइड दीज कल काने नूट्रल अ जमीन अॉली न्यूट्रल सोल एसिडस एंड हेन बिकम न्यूट्रल तीर पुल सॉल बना बे न्यूट्रल हाँ सम सॉल्ज आर न्यूट्रली बेसिक इन नेचर इन आ टू मेक दीज सोल्ज न्यूट्रल लार्ज अमाउंट औरिक मोर इज एडड ये क्या जमी गसिक नचर अतम लार्ज एम क्या त्राउन औरगनिक मानवार दिस द एसिडिक द एसिडस प्रेजेंट इन न्यूट्रलाइज़ मूट्राइज दसिक केमिकल्स इन द सॉल एंड मेक इन न्यूट्रल अूट्रल अ बन नूट्रल फरी वफ मनी फटरज कटे एसडस इफ दीज व डटली

इत पटिंग आट्स एंड बीज दंगस द आटस एंड बीज कन्टैन फार्मिक एसिड वेन दीज इट सिटिंग द इजेक्ट फार्मिक एसिड इन अवर बाडी ये अगर ट बोम्बुर्शा कोप अथस अ लगान इंजेक्श कहर अहन ट्राफान फार्मिक एसिड साना बॉडी मज विच काज अ पे फुल इरटे एंड संग्वर अशन अरटेशन अ खाना अ्रोडूस द इफेक्ट आफ फार्मिक एसिड द एर वित रिद सोप सोडा सलूशन आ कलमाय कंटेन जी कॉबनेेट तीस सबसटान न्यूट्रलाइज़ द इफेक्ट आफ फारिंग एसिड, तेल ग्रुन यह सीक सोडा सल नूट्रल या बराबर बी ठीक इथ पर्विंग मिलक फार शॉट पीरड शॉट पीरड मिलक इज ब्रॉ टटी फ्राम द वेजिज बाई मिलक वर्स इन हॉट कलाट द नचुरल बेक्टी पेजेंट इन द मिल पडूस अार्ज एम्ट लैक्टिक एसड इस

काजिंग अ लॉस टू मिलिक वज अब दल गूर से इन हम सब नुकसान वो पवेंट द इज इफेक्ट आफ लैटिक एसिड द मिल वेडस ए साल एमुन आपकिंग सोडा द मिलिका कम एमुंटस द्रा क्या बकिंग सोडा अम स यह दराब दिस इज टन न्यूट्रल्ड लैकटिक एसिड एंड द मिलिक डज नाट कड अम सब दराब ग क्या जवा तू मतलब अरान बंग सोडा वम एमुनटस रोज़ ये दो दवाइयाँ स्कॉलस ठीक हैं आज पढ़ाई युद्धी तो नेक्स्ट टॉक्स किस्मत करो ऐसे में सवाल थैंक यू खुदा हार्प